sum of all terms of nth bracket of 1, 3, 5, 7, 9, 11 is n3। ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने लिखा ये कह रहा है इसके nवां जो भी ब्रैकेट होगा, जैसे ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है, दिख रहा है, ऐसे कोई nth ब्रैकेट भी होगा, उसके जितने भी नंबर होंगे उन सबका सम एन क्यूब होगा, पक्का करो। कहानी पकड़ में आ गई आपके? क्या कह रहा है क्वेश्चन पकड़ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी nth ब्रैकेट होगा उसके सारे नंबर्स का सम एन क्यूब होगा, पक्का करो। लेकिन साहब जो भी nth ब्रैकेट होगा उससे पहले जो सिंपल इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं। देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें कितने टर्म है? एक टर्म है, श्योर। सेकेंड ब्रैकेट में टू टर्म है, ये बात पक्की हो गई। थर्ड ब्रैकेट में तीन टर्म है, इसका मतलब आपको समझदारी में आ गई होगी। nth ब्रैकेट जो होगा n टर्म्स होगी। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। क्यों सर, क्यों चाहिए सबसे पहले आपको यही बात? क्योंकि मेरे जो सम का फॉर्मूला है AP का, उसमें एस एन इजल टू एन बाई टू लगता है, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना बाहर किसको बैठाना है। तो मेरे को पता है बाहर अब n को बैठाना है, क्योंकि nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी, nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगी, ये मेरे को पहले पता चल गया। अच्छा, उसके बाद में सम के फॉर्मूले में n बाई टू के बाद अंदर लगता है 2a, राइट है ना भाई? अच्छा, लेकिन 2a से भी पहले मैं आपको काम की बता देता हूं। ऑल ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट मैं आपके सामने लगा रहा हूं, सही ना, उनमें ऑल ब्रैकेट्स हैव कॉमन डिफरेंस। हाँ, ढंग से देखो, अरे ढंग से देखो, सारे ब्रैकेट में आपस का कॉमन डिफरेंस 2, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, राइट है भाई? नहीं है, तो इसका मतलब जो भी nth ब्रैकेट होगा उसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 ही रहेगा। तो मतलब मेरे पास d आ गया, a मेरे पास अभी तक नहीं आया, n आया हुआ पड़ा है, d आ गया। अब मेरे को सम के फॉर्मूले में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ रही है? अब मेरे को जरूरत पड़ रही है a की। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं a कहां से लाऊं, a माने फर्स्ट टर्म। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, वो सीखो आप। अगर आप सारे ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके फर्स्ट टर्म्स क्या क्या है। 1, फिर अगले का है 3, फिर अगले वाले का 7, फिर अगले वाले का होगा 11 के बाद 13। बस ऐसे बात समझ में आई? लेकिन हम कब तक जाएंगे? nth टर्म नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। लेकिन मैं आपके सामने जितने भी टर्म आ रहे हैं, ये भले कुछ भी अगड़म बगड़म आ रहे हो, 1, 3, 7, 13 जो भी सीरीज आ रही है उस सीरीज को लिख रहा हूं, कहां तक? nth टर्म तक। और मैं इस पूरी सीरीज का सम को मैं SN नाम दे रहा हूं। भाई मुझे नहीं पता ये AP है, GP है, HP है, मिसलेनियस है, कुछ भी है, किसी भी तरह की घटिया से घटिया सीरीज है, ठीक है ना। AP GP HP होती तो मेरे पकड़ में आई जाती। लेकिन अगर ये AP GP HP नहीं है तो मिसलेनियस है, और अगर ये मिसलेनियस है तो मिसलेनियस सीरीज का पहला काम होता है, अब उसे लिख लो। ऐसे लिखने के बाद क्या करो, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ। क्या लगाओ? मेथड ऑफ डिफरेंस। और मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है? SN को दोबारा लिखना। क्या वर्ड मैंने यूज किया? मेथड ऑफ, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस, बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है? उसमें क्या करते हैं, सीरीज लिखते हैं और दोबारा लिखते हैं, लिखते हैं और दोबारा लिखते हैं, लेकिन दोबारा लिखते टाइम पे एक स्थान सरका देते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक पॉइंट सरका दिया, एक प्लेस शिफ्ट कर दिया। नहीं है, शिफ्ट करने के बाद दोनों का आपस में घटा देते हैं, घटाते इधर जीरो आ जाएगा, 1 बच जाएगा उधर, इधर से बचेगा कितना? 2, इधर से बचेगा 4, इधर से बचेगा 6, सोचो आप, और इधर से कुछ बचेगा, और यहां से बचेगा -TN, सोचना आप। हाँ या ना, देख लिया आपने दिमाग? नहीं है, इसमें 1 को छोड़ दिया जाए तो 2, 4, 6 एंड जो कुछ भी आ रहा है दे ऑल आर इन AP, 2, 4, 6। क्या आपको AP दिख गई? अच्छा एक बात बताइए कि मेरे को यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, यहां से यहां तक कितने हैं? N, उसमें से 1 को काट दूं तो बाकी बचे हुए ये रह गए, ये कितने हैं? N-1। इसका मतलब ये भी N-1 टर्म्स हैं। नहीं आया? ये अभी अपने आप में N-1 भी आता तो भी यहां तक इतना तो मिला सकते हो ना सिमेट्रिकली,
तो आप बता सकते हो ना कितने टर्म है। तो यहां से देखा था तो एन माइनस वन टर्म्स एपी है, एपी नहीं पकड़ में आया आपके, ये एन माइनस वन टर्म की क्या बनी एपी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप एपी में अगर प्लस 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 लिखा तो समझ जाते हैं कि वो उसको मल्टीप्लाई करने के डिवाइड, अगर बीच में नंबरों के प्लस लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, सम। प्लस माने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, सम होता है। तो मुझे सम करना है नहीं है, अब मैं सम कैसे करूं, फॉर्मूला है हमारे पास, ये माइनस टीएन को मैं उधर शिफ्ट कर दूं, अगर मैंने माइनस टीएन को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर आकर के प्लस का टीएन हो गया। देखो साहब टीएन बन गया इधर आकर के, उधर से रह गया वन प्लस। दो तरीके हैं, या तो सम कर डालो, फिलहाल तो मैं आपके तरीके पे जाऊंगा। कितने टर्म्स की एपी है तो मैं यहां लिख देता हूं एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, आगे बोलो फोर, बेहतरीन, आगे बोलो एन माइनस टू, आगे बोलो टू, आगे बोलो क्या करूं, कट गया क्या रह गया बोलो, हाँ टू एन, टू से टू भी कट गया, बोलो आगे क्या रह गया, जल्दी बोलो जल्दी, वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसका मतलब जो एन टर्म बनेगा वो मेरे पास आ गया, किसका, इस सीरीज का, इस सीरीज का टीएन आ गया टीएन। इसका मतलब मेरे पास टीएन इज इक्वल टू कितना आया, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, माने जो एनथ ब्रैकेट का जो पहला टर्म होगा, नहीं है ये सारे फर्स्ट टर्म आ रहे ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म निकला हमारे पास में, क्या फर्स्ट टर्म निकला, इट इज फर्स्ट टर्म ऑफ एनथ ब्रैकेट, ये एनथ ब्रैकेट का पहला टर्म है। अगर ये एनथ ब्रैकेट का पहला टर्म है तो मुझे एनथ ब्रैकेट के सभी टर्म्स का सम निकालना है, नहीं है nth ब्रैकेट के सभी टर्म्स का सम, nth ब्रैकेट में सभी लोग एपी में हैं, nth ब्रैकेट जो भी होगा उसमें भी सारे लोग एपी में होंगे। अच्छा कितने टर्म होंगे उसमें nth ब्रैकेट में, n टर्म्स, और सबका कॉमन डिफरेंस 2, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन हमने कंटेन कर ली थी कि nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे, nth ब्रैकेट में कॉमन टर्म 2 लगेगा, nth ब्रैकेट का सिर्फ एक ही चीज अननोन थी उसका नाम था फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे लिए कितना आ गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब मैं सम का फार्मूला लगा रहा हूं, ठीक है ना, सम ऑफ क्या nth टर्म लिख लूं, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू में कितना n by 2 ब्रैकेट में 2 into एक ही जगह पर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 प्लस अंदर ही अंदर n माइनस 1 into 2, नहीं आया समझ में, बताओ ये क्या लिखा, ये क्या लिखा 2a, ये क्या लिखा n माइनस 1 into d। अब आप एक जल्दी से बात बताओ, क्या आपको ये पता चलता है कि ये 2 की इससे मल्टीप्लाई कितना देगी 2n, और ये काट दूं, अरे यार कहां कट गया, अच्छा ये 2 और ये माइनस 2 कट गया, क्या रह गया मार्केट के अंदर 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर का 2 2 भी क्या रह गया, नहीं है सम ऑफ n टर्म, अभी भी नहीं है, फटाफट कॉपी कर लें आप। ऐसे सभी क्वेश्चन जिनके अंदर ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट दे रखे हो ना, इसमें तो किस्मत से उसने सम ऑफ टर्म मांग लिया है, अगले वाले में नहीं तो टीएन मांगा, वो कहता बताओ ऐसे जो भी होगा उसका एनवे ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे। तो ये टीएन निकालने का तरीका है, मेथड ऑफ डिफरेंस जो आपको सीखना है। इसने क्या किया टीएन के आगे भी ले गया, हालांकि ये क्वेश्चन अगर बाय द वे आपके पेपर में आता तो समझदार बच्चा इसको और तेजी से तोड़ता, कैसे तोड़ता, उसको ये सब की जरूरत नहीं है, है कि नहीं, वो आंसर बिना देखे बता सकता था कि एन क्यूब आएगा, कैसे, पहले ब्रैकेट के अंदर इनका सम है 1, इसका सम है 8, इसका सम है 27, सोचा आपने, तीसरे ब्रैकेट का सम आ गया 27, दूसरे ब्रैकेट का 8, ठीक है, तो एनवे ब्रैकेट का नहीं था, नहीं आया समझ में आपके। तो अगर देखा जाए तो लोग तो ऐसे ही देख के बताते थे कि सम तो एन क्यूब ही आना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सम क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सोच गए कि मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको इस ब्रैकेट का एनवे ब्रैकेट के बारे में बता दिया, हर चीज एनवे ब्रैकेट की हर चीज बता दी कि एनथ ब्रैकेट में कौन आ रहा होगा। अब आप मेरे से अगर ये पूछो ना कि इसका फिफ्थ ब्रैकेट कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म जो होगा एन की जगह 5 रखने पर आ जाएगा,
जैसे मैं एन इज इक्वल टू तीन अक्के दिखाता हूं, एन की जगह तीन अक्के नौ, नौ में से तीन गया छह, छह और एक सात, जो थर्ड ब्रैकेट का पहला आदमी सात है। इस तरह मैं आपको हर ब्रैकेट का पहला आदमी बता सकता हूं, मैंने ढूंढ लिया फार्मूला। कहानी पकड़ में आई आपको? मैं nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सोचना सिखा दिया आपको, अगर आप समझो तो। मतलब कोई मिसलेनियस सीरीज में हमने पैर रख लिया एपी के बहाने से। अगले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट से। थ्री नंबर्स आर इन एपी, थ्री नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज 15, देयर सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। थ्री नंबर्स आर इन एपी, their sum is 15 and product is 80, ठीक है, find its smallest number। three numbers are in AP, sum is 15, product is 80, find the smallest number, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन में लिखेगा इफ 80 लिख लिया आपने, प्रोडक्ट इज 8080, सम 15 15। अरे ये भी तो गनगोर है ना लिखने वाला, 15th th भी लगाया अगले ने, ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह लिखा है प्रोडक्ट्स आर 80, प्रोडक्ट्स मतलब मैं पहली बार देख रहा था प्रोडक्ट्स, और आर भी समझ गया था मैं, प्रोडक्ट इज 80 भाई, सीधी बात, मैं बाद में इसको करेक्ट करा। अगले नंबर पे आप तो लिखो, आप फटाफट, टाइम नहीं इतना, ठीक है, लिखिएगा इफ एन इंटीरियर एंगल, इफ एन, वाह, इफ इंटीरियर एंगल, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेंट टर्म क्या होती है भाई, क्वाड्रेंट टर्म नहीं है ये, आगे है सुनना, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, क्वाड्रेंट टर्म कोई नई चीज ढूंढी इसने। मैंने सोचा पहले कांस्टेंट टर्म होगी, मैंने कहा फिर कांस्टेंट टर्म एपी में क्या कर रही, ठीक है, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी देन विच, अरे देन विच, ठीक है, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, ठीक है ना, फाइंड इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है ना, फाइंड इंटीरियर एंगल्स, निकाल लोगे? Yes, sir. हाँ, ये चिरकुट क्वेश्चन है, मैं घर के लिए दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फोर नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज 20 डिग्री, फोर नंबर्स आर इन एपी, देयर सम इज 20 डिग्री एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, देयर सम इज 20 डिग्री, 20 डिग्री इन 20, their sum is 20 and sum of square and sum of their square is 120, find middle two terms, लिख लिया आपने?
राइट है। अगली बात आओ, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक की स्पेलिंग पढ़ना, पढ़ लिया हमने, क्या स्पेलिंग थी? क्यू यू ई बी आई सी, क्यूबिक, परफेक्ट क्यूब बोला एकदम, क्यूबिक, ठीक है, मतलब आपको एक बार तो चक्कर ही आ जाएगा क्या बोल रहे हैं भाई, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, और फिर क्यूबिक इक्वेशन में भी लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देख लिया, इक्वल टू जीरो, देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी, सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी, थर्ड ऑप्शन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, राइट, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है वो सुन लो, आपको इनमें से ऑप्शन ढूंढ के लाना है कौन सा वाला सही है। के पास में यहां से ए अवेलेबल है भाई, है ना, अब मेरे को यहां पे भी बड़ी ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्या गलती कर रहा हूं बता रहा हूं मैं आपको, सही है, मैं पता है आपको इसका भी ए ले रहा हूं और इसका भी ए ले रहा हूं, तो मुझे यहां बहुत समझदारी से इसको कैपिटल ए में बदल लेना चाहिए, नहीं आया, इससे क्या होगा मेरे पास थ्री कैपिटल ए आ जाएगा, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा कैपिटल ए आ जाएगा, क्या आपको कैपिटल ए की वैल्यू दिख गई, तो जहां जहां ए है वहां वहां कैपिटल ए लगा रहा हूं भाई, ताकि मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर पाऊं, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगा, उसका ए और इसका ए मिला बैठूंगा, कहानी पकड़ में आई या नहीं है? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आप इसको प्रोडक्ट तो कर लोगे, इक्वल टू में आपके पास में यहां से ए की वैल्यू आई पड़ी है, ए की वैल्यू इसमें डाल लेंगे, लेकिन अभी भी रुकते हैं और सोचते हैं, क्या आपको ये पता है कि आपके पास में अल्फा बीटा गामा भी पड़ा है, कितना है अल्फा बीटा गामा, नहीं नहीं एक्चुअल में कितना है, ए इंटू ए माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, एंड दैट इज ऑल इक्वल टू वॉट, कितना बता रहा हूं, डी बाई ए, डी बाई ए कर दू, माइनस का डी बाई, हाँ ये चलेगा, माइनस का डी बाई, यहां तक की बात पकड़ में आ रही है, मुझे लगता है कि शायद हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, इन दोनों में ही काम चलाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ये बहुत रायता फैलाएगा, इतनी दूर नहीं जाने का, शायद ये और वो दोनों मिलके ही काम चल जाएगा। अब यहां से आगे आपको ढोना है घर पे, ठीक है ना, आगे चलते हैं, ट्राई कर लोगे ना, इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर बैठ जाएगा आपसे, है ना भाई। अगले बात हो, हाँ भाई अगले पॉइंट पे आइए, हाँ भाई नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, देखिए कोई भी दुनिया में तीन नंबर होते हैं ना, जो भी एपी में हो, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो दोनों का मीन होता है, क्या बोला मैं, दुनिया में कोई भी तीन नंबर जो एपी में है तो जो बीच का नंबर है वो दोनों का मीन है, बस सीधे, और वो जो मीन है वो अरिथमेटिक मीन है, कहानी पकड़ में आ गई, अच्छा चलिए मेरे को वापस से बताइए, अगर चार नंबर होते तो जो बीच वाले दो होते वो इधर उधर वाले के मीन होते, तब हम कहते कि चार नंबर होने पर जो दो बीच वाले हैं वो दोनों अरिथमेटिक मीन है इन दोनों के, इसका मतलब मैं दुनिया को ये बोलता कि इन दोनों के दो अरिथमेटिक मीन है, चार नंबर होते तो मैं कहता ये जो बीच वाले दो नंबर हैं ये दोनों के अरिथमेटिक मीन है, किनारे वाले दोनों के अरिथमेटिक मीन है, तो मैं कहता इन दोनों किनारे वालों के दो अरिथमेटिक मीन है, बात समझ में आई, अगर पांच नंबर एपी में होते तो बताओ कितने अरिथमेटिक मीन होते, तीन, गधेड़ो, अरे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, क्या पहले तो ये बताओ ये एपी है कि नहीं है, इसमें जो तीनों नंबर है ना ये वन और फाइव के अरिथमेटिक मीन है, नहीं आया समझ में, हम कह सकते हैं वन और फाइव में कितने अर्थमेटिक मीन आ गए, तीन अर्थमेटिक मीन है, कहानी पकड़ में आई, अगर बाय द वे मैं यही वन टू थ्री फोर से लेकर के टेन तक लिख लेता तो बताओ एक और दस के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन, आठ, समझ में आ गया,
अच्छा ये आठ मेरे इच्छे, मेरी इच्छा है भाई, हाँ मैं चाहूं तो इनके बीच में 10 अर्थमेटिक मीन भी डाल सकता हूं, बस मुझे कैसे भी करके 10 की एपी बनानी है। अरे कैसे नहीं डाल सकता, मैं मर्जी है जितना आप बोलोगे उतने नंबर डाल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे से किसी ने कहा कि 1 और 2 के बीच, 1 और 4 के बीच में सर आप तो मुझे 4 नंबर डाल के दिखाओ अर्थमेटिक मीन, तो मैंने कहा ले भाई 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और 4 3.5, लो भाई 3.5 और रह गया, और फिर कितना आ गया 4, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, उल्टा 5 अर्थमेटिक मीन डाल दी मैंने, नहीं आया, कहानी पकड़ में आई या नहीं। इसका मतलब हम वाकई में अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये तो 5 है, और भी डाले जा सकते हैं अगर मैं परफेक्ट डी ढूंढ लू तो, परफेक्ट डी ढूंढ लू तो कि भाई इतनी इतनी दूरी पे ठीक 4, 4, 4, 4 पड़ जाएंगे, नहीं है। अरे परफेक्ट डी ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, अपने को याद है ना अपन एक ही चॉकलेट के 2 हिस्से भी कर लेते हैं, और परफेक्ट 4 हिस्से भी कर लेते हैं, परफेक्ट मिला मिला के, जरा सा भी बड़ा नहीं, जरा सा भी छोटा नहीं, नहीं याद है, कर लेते ना। तो हम तो मीन निकालने में बहुत ही मीन है, परफेक्ट करते हैं एकदम बिल्कुल, जरा सा भी इधर उधर नहीं, कहानी नहीं पकड़ में, एकदम बराबर बराबर मिलाते कि नहीं मिलाते, तो वैसे ही एपी भी है। अब लेकिन क्या है, मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने कहा अगर परफेक्ट डी पकड़ में आ जाए, डी माने कि मैं सही कॉमन डिफरेंस पे वर्ड डाल सकूं, कि भाई सही कॉमन डिफरेंस पे नंबर ला सकूं, तो मैं जितने मर्जी आ उतने अर्थमेटिक मीन डलवा लो आप मेरे से, बस मुझे डी पकड़ में आ जाना चाहिए यार, इतनी दूरी पे परफेक्ट आ जाएगा, नहीं है। आप भी तो ये करते हो, जैसे ही मान लो 2 चॉकलेट के 2 हिस्से हो जाते हैं तो आप उनका डी मिलाते हो, यार ये वाली बड़ी है शायद, नहीं है, आप डी तो चेक करते हो, अरे डिफरेंस आया ना, वो एग्जैक्टली आप भी डी ही मिलाते हो। इसका मतलब इस पूरी कहानी में, पूरी कहानी में एक तो 2 चीजें इन्वॉल्व है, पहली बात तो सारी कहानी में एपी का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, नहीं तो फिर किस बात का अर्थमेटिक, अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तभी तो अर्थमेटिक मीन है, है ना। तो पहली बात तो एपी इन्वॉल्व है, और दूसरी बात एपी इन्वॉल्व है तो साथ में डी भी इन्वॉल्व है, साथ में डी भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों के 4 टाइटल हैं, पहला टाइटल का नाम सुनिएगा 1, पहले सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो, सॉरी डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फटाफट लिखिए, हाँ भाई डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन, ऑल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स, ऑल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 2 नंबर्स आर नोन एज अर्थमेटिक मीन, आर नोन एज अर्थमेटिक मीन। मैंने यहां कोई एपी का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, मैंने तो कहा दुनिया में कोई भी 2 नंबर के बीच में आने वाले तमाम नंबर अर्थमेटिक मीन है, तमाम नंबर अर्थमेटिक मीन है, क्योंकि जब हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख रहे थे तब हम लोग 1 और 4 के बीच में किसको देख रहे थे, थोड़ी देर बाद में हमने 1.5 को भी देखा, 3.5 को भी देखा, हाँ या ना, तब उनमें एपी दिख रही थी हमें। इसका मतलब ये कि हम अपनी नजरों से जब देखते हैं ना तो चीजों को देख नहीं पाते कि अच्छा ये भी कोई एपी में आ सकते हैं, किसी एपी में 1.5 भी आएगा, नहीं है। तो 1 और 4 के बीच में अगर 2 और 3 एपी बना रहे हैं तो 1.5, 3.5, 2.5 भी एपी बना रहे हैं, तो हो सकता है किसी एपी में 2.4 भी होगा, 3.4 भी होगा, कोई तो ऐसा डी भी होगा जब 2.4, 3.4 सब आएंगे। इसका मतलब 1 और 4 के बीच में दुनिया के तमाम नंबर जो जो भी आप डाल सकते हो वो कभी तो कोई ना कोई एपी बनाएंगे ही बनाएंगे, नहीं आया कहानी पकड़ में। तो इसका मतलब ये कि कहानी में एपी बनती ही है, बस आप 2 नंबर ढूंढ लो, है ना। हालांकि बड़ी टिपिकल सी इसकी मैंने लैंग्वेज यूज कर ली, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग जहां लगाना वो है चीज याद रखने में। चलिए साहब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, पहला पॉइंट सुनेगा, फर्स्ट है ठीक है ना, 1 AP, 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। देखिए साहब हम लोग पूरी कहानी में हम लोग हर बार ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना, जितने भी मीन है उनमें हर बार एक मीन ढूंढेंगे, फिर एन मीन ढूंढेंगे, फिर उनका सम ढूंढेंगे या प्रोडक्ट ढूंढेंगे। दोबारा बोलता हूं, हम लोग हर बार एक ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एक मीन कैसे निकालना है, एक मीन का मतलब एक अर्थमेटिक मीन या एक ज्योमेट्रिक मीन, एक मीन कैसे निकालना है, एन मीन कैसे निकालना है, और उनका सम या प्रोडक्ट क्या होगा, जो जो भी जरूरी है, नेसेसरी है, मतलब कहानी की जो भी डिमांड है। फिलहाल अगर मुझे एक अर्थमेटिक मीन निकालना है 2 बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है ना, बिटवीन 2 नंबर्स,
अगर मुझे दो नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो निकालने का तरीका सुनेगा, है ना भाई? निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कोई भी तीन नंबर ले लेता हूं, ठीक है, एबीसी एपी में। अगर तीनों नंबर एपी में, तो मैं कह सकता हूं जो बीच वाला नंबर है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। अरे जो बीच वाला है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, तो कहना मतलब बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। और अगर बीच वाला अगर अर्थमेटिक मीन है, बी इज है ना अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा सी, अगर बी अपने आप में ए सी का अर्थमेटिक मीन है तो ये एपी में भी है, और अगर एपी में भी है तो इसका डबल इज इक्वल टू किनारे वाले का सम भी होगा, और अगर सम होगा तो बी इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस सी बाई टू, सही है। अब मुझे जल्दी से 1 और 27 का अर्थमेटिक मीन बताओ कैसे निकलो, कितना 40 नहीं है, कैसे आया? इन दोनों का सम बाई टू कर दिया, कहानी पकड़ में आ गई। तो जब भी अपने को एक अर्थमेटिक मीन निकालना, कुछ नहीं करना, सम बाई टू कर लेना है, आंसर आ जाना है, ठीक है, एक अर्थमेटिक मीन। अब एक अर्थमेटिक मीन के बाद में हमारा अगला खेल क्या है वो सुना। मैंने जैसा बोला था, सबसे पहले हम लोग एक अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, फिर दो नहीं, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कहानी में अर्थमेटिक मीन है तो एपी होगी कि जीपी होगी, एपी। अरे अर्थमेटिक मीन है तो जीपी क्या कर रही है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कि लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, उनके बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन मेरे को इंजर्ड कराने हैं उनके नाम होंगे A1, A2, A3 से लेकर कहां तक, An तक। तो ये अपने आप में एन अर्थमेटिक मीन है जो मैंने इंजर्ड करा दिया। सबसे पहले उन्हें नाम से पुकारो, A1, A2, A3, सर मैंने ये इंजर्ट कराए, यहां तक की बात पकड़ में आ गई, अर्थमेटिक मीन इंजर्ट हो गए। तो अर्थमेटिक मीन के इंजर्ट होते ही ये सब क्या बन गया, एपी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमारे एपी। अब ये सारे नंबर किस में, एपी में। अच्छा बताइए इस एपी का ये जो ए है ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म T1, ये T2, सेकंड ये थर्ड, सही ना भाई, थर्ड टर्म ये है, अच्छा ये फोर्थ, अच्छा ये T n+1 नहीं है, अच्छा बी खुद कौन है, T n+2 नहीं है, बी T n+2 वा टर्म है, आप मेरी बात समझ गए, n+2 ये टर्म है, T n+2 कौन है, बी। तो मुझे यहां से पता चला कि T n+2 कौन है भाई, बी। अच्छा T n+2 मेरी नजर में एपी में होना चाहिए था A+n+2-1 × D, ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्या ये बात सही है? और अगर ये वाली बात सही है तो मेरे को कोई बचाएगा कि इसमें D इज इक्वल टू कितना निकलेगा, B-A/(n+1), ये जो मेरे पास आया D आ गया। और आपको तो पता ही है मैंने कहा था कि बस मुझे परफेक्ट D मिल जाए तो मैं, आप बोलोगे उतने नंबर चिपका दूंगा, मेरे को D मिलना चाहिए, और D का मैंने एक फार्मूला इजाद कर लिया, जहां मेरे पास D आएगा अब आप बोलोगे उतने मैं अर्थमेटिक मीन डाल दूंगा, क्या आपको बात समझ में आई? मैंने, मैं पहले क्या काम करूंगा क्वेश्चन में, जब भी मुझे कोई मतलब किसी ने मेरे को कहा कि आप चार अर्थमेटिक मीन डालिए तो चार अर्थमेटिक मीन को पहले मैं लिखूंगा, A1, A2, A3, A4, बताऊंगा दुनिया को कि ये सब एपी में, और तुरंत डी का एक फार्मूला लगा लूंगा, कहानी पकड़ में आई, जिसमें ए और बी सरकार देगी, क्यों देगी, नहीं तो मैं किसके बीच में डालूंगा अर्थमेटिक मीन, तो मैं ए और बी वो देगी, उसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन, चार, अगर मुझे चार डाले तो 4+1 कर दूंगा, उससे मेरे पास डी आ जाएगा, और जहां मेरे पास डी आएगा बोलोगे उतने एपी चिपका देंगे, सही है। तो अब मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि सर आप तो मुझे फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बताओ, क्या वर्ड यूज करा अगले ने, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, तो मैं पहले बोलूंगा इसका नाम से पुकार भाई, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बोले तो A5, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन बोले तो A5, अच्छा जो A5 है वो हमारे लिए T6 है, याद करो, जो A3 है वो मेरे लिए T4 है, नहीं है, तो जो हमारे लिए A5 है वो हमारे लिए T6 है, और T6 बोले तो A+5D, अच्छा और D की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा फार्मूला, तो मैं यहां पे लिख दूंगा A+ (ब्रैकेट के अंदर कितना 5 × B-A/(n+1), सही है। अच्छा मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा सर आप तो मेरे को 11th अर्थमेटिक मीन बताओ, 11th अर्थमेटिक मीन, आप जल्दी से इसका नाम बुक करो, A11 इज इक्वल टू T12 इज इक्वल टू A+(11D), सबसे पहले क्या लिखूं, D, तो यहां पे A की जगह A, 11 की जगह 11, D की जगह B-A/(n+1), क्या आप ये बात पकड़ गए? मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया कि
इंसर्ट, ठीक है ना, फाइव अर्थमेटिक मीन बिटवीन है ना वन एंड फोर, एक और चार के बीच में पांच अर्थमेटिक मीन डाल के दिखाइए सर आप। तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, एक लिखूंगा है कि नहीं, और उधर चार लिखूंगा, रेडी। एक और चार के बीच में अगर मुझे अर्थमेटिक मीन पांच डालने तो उनके नाम क्या क्या होंगे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, और ये सब किस में होंगे, एपी में, श्योर। अच्छा सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, डी बोलो, फोर माइनस वन डिवाइड बाई फाइव प्लस वन, नहीं आया ये फाइव कौन है, एन, जितने अर्थमेटिक मीन आपने डलवाने की बात करी तो ये कुल मिला करके मेरे लिए कितना बन गया भाई, थ्री बाय सिक्स, बोले तो वन बाई टू, माने मेरे को हर आधी आधी दूरी पे एक अर्थमेटिक मीन मिलने वाला है। तो सब पहले नंबर पे कौन होगा, वन, अगले नंबर पे वन प्लस हाफ, अगले नंबर पे होगा वन प्लस टू इंटू हाफ, फिर वन प्लस थ्री इंटू हाफ, क्या भी बात, तो कुल मिला के पांच अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे, वही आएंगे एक डेढ़ दो आगे से साढ़े तीन तक, नहीं है कहानी नहीं पकड़ में आई, सही है। अच्छा मान लीजिए किसी ने चेंज कर दो, मैं क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लिया था, रुको आप जरा, ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा कि इंसर्ट है ना, या उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं, इफ देयर आर, क्वेश्चन अपनी तरह से बना लेते ना, इफ देयर आर सेवन अर्थमेटिक मीन बिटवीन वन एंड थ्री, किसी ने कहा एक और तीन के बीच में अगर सात अर्थमेटिक मीन है, फाइंड फाइंड फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, राइट भाई, पांचवा अर्थमेटिक मीन बताओ कौन होगा। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक और तीन के बीच में सात अर्थमेटिक मीन जाते हुए दिखाऊंगा, बताइए सात अर्थमेटिक मीन, ए वन ए टू ए थ्री से ए सेवन, ये सब किसमें होंगे, सबसे पहला काम डी, डी की वैल्यू थ्री माइनस वन डिवाइड बाई सेवन प्लस वन, इसका मतलब एक बटा चार आ गया मेरे पास, डी आ गया, डी आते हैं, आप बोलोगे वो कर सकते हैं अपन, अपने को क्या चाहिए भाई, कौन सा अर्थमेटिक मीन, फिफ्थ, नाम को करो ए फाइव, ए फाइव इज इक्वल टू ए सिक्स, ए सिक्स इज इक्वल टू वन प्लस फाइव डी, फाइव डी लिख दूं, ये वन तो पकड़ में आ गया, वन प्लस फाइव डी, और डी की जगह पर वन बाई फोर, तो वन प्लस फाइव बाई फोर दैट इज नाइन बाई फोर, तो जो भी पांचवा अर्थमेटिक मीन होगा उसका नाम होगा नाइन बाई फोर, श्योर। तो आपको पकड़ में आ गई कहानी कैसे पकड़नी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो हम लोग अर्थमेटिक मीन इंजर्ट कराना सीखते हैं, अर्थमेटिक मीन के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सीरीज लिखो और डी लिखो, खत्म, फिर आप जो मर्जी है वो बोले, वो ये काम कर देगा, पहले यहां तक कर दें फटाफट। इसके बाद में अर्थमेटिक मीन में जो चीज पूछी जाती है वो है थर्ड पॉइंट, ठीक है, अर्थमेटिक मीन में कभी भी प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं पूछेगा, वो हमेशा सम ही पूछेगा, तो हमारा जो सी टाइटल है वो यही है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। अगर मुझे एन अर्थमेटिक मीन का सम निकालने को कहा जाए तो एन अर्थमेटिक मीन का सम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, आप तो मुझे बता दो एन अर्थमेटिक मीन के नाम क्या है, ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के एन, अगर मैंने सम लिख दिया तो इसका मतलब मुझे सबके बीच में प्लस लगा के लिखना चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन मुझसे डील चाह रहा है ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के कहां तक का सम एन है ना भाई, ये वो चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा, मैं इसमें छोटी सी चालाकी कर रहा हूं, सही भाई, और साथ में एक प्रॉपर्टी भी इस बहाने से उतर जाएगी, उसको सुनिएगा, मैंने क्या लिखा, मैंने इसे लिखा कि अगर बाय द वे ये मेरे से वो चाह रहा है तो मैंने इसके किनारे पर दोनों साइड में ए और बी को भी एंटर करा दिया, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है तो कोई दो नंबर के बीच के अर्थमेटिक मीन होंगे, अगर वो दो नंबर है तो मैंने जानबूझ करके उन दोनों नंबर को इधर उधर चिपका दिया। आप में से कितने लोग समझ गए कि इन दोनों के चिपकने से ये टोटल कितने टर्म्स हो गई, एन प्लस टू, अरे तो कोई भी आंख का अंदर भी बता देगा एन तो ये रहे सर दो और आगे थे एन प्लस टू, नहीं है। अच्छा ये जो भी एन प्लस टू टर्म्स है ये किसकी है, एपी की या जीपी की, एपी की, इसका मतलब ये सब एपी में, सही है। अच्छा एपी में एक और भी खास बात होती है, मैंने कहा ना इस बहाने से हम लोग एक प्रॉपर्टी पे भी बात कर लेंगे, एपी की एक खास बात होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जितनी भी एपी होगी उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का जितना सम होगा उतना ही सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, उतना ही थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा, उतना ही फोर्थ और फोर्थ लास्ट का होगा। एक छोटा सा काम करके देख लेते हैं, जिनको ये बात नहीं समझ में आए उनको बता देते हैं, मान ले एक एपी है एक दो तीन चार पांच, ये सही है, बता इन दोनों का सम
इन दोनों का, इसका डबल नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं, प्रॉपर्टी को इसको लिखते कैसे हैं? एक तरीका तो ये कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और समझदार लोग ये फर्स्ट एंड लास्ट और जैसी बातों में नहीं आते, उन्हें पता है यार गणित के अपन पढ़े लिखे आदमी है, वो लिखते हैं A1 प्लस An, पहला और आखिरी इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट, An माइनस 1 इज इक्वल टू A3 प्लस An माइनस 2 डैट डैश। अपने आप समझ में आता है कि एपी के अंदर फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम हमेशा मेंटेन्ड रहता है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या हमने वैसे शायद प्रॉपर्टीज में लिख रखा है, आप कभी देखेंगे अपने शायद शुरू शुरू में प्रॉपर्टीज लिख ली थी, नहीं लिखा उसमें? चलो तो ये अभी तो मैंने फिलहाल ये दोबारा लिख दिया है ना। अच्छा आपको अगर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई तो कोई मेरे को बताएगा इसका क्या मतलब समझे आप, इसका क्या लेने देना? आप मेरे को बताएंगे फर्स्ट एंड लास्ट का सम कितना है, ए प्लस बी, हाँ है ना, इसका सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम कितना? अगर अरे फिर से ए प्लस बी, अरे आप मेरी बात ही नहीं समझे। इसका मतलब आपके लिए ये हो गया कि A1 प्लस An की वैल्यू भी कितनी आई, और A2 प्लस An माइनस 2 की वैल्यू भी कितनी आई, An माइनस A प्लस B, ये कितनी बार पेयर बने सोच के बोलो आप, इट इज इक्वलेंट टू N प्लस 2/2, इतने पेयर बन गए नहीं है? इतनी बार क्या बना A प्लस B, नहीं आई मेरी बात, इतनी बार मेरे पास में A प्लस बी आ गया, अरे पहले का A प्लस बी, इनका फिर A प्लस बी, फिर अगले का A प्लस बी, कितनी बार हुआ, जितने पेयर हो गए, ये टोटल कितने थे N प्लस 2, तो इनके पेयर कितने बने N प्लस 2/2, आधे कर दो, सही है? अच्छा लेकिन सर आधे करूंगा तो ये डिवाइड नहीं जा रहा ना, अरे तेरे क्या दर्द है तू तो ये बता, अगर इसको आगे चलाता हूं तो क्या तू N बाई 2 प्लस 1 इंटू A प्लस बी लिखते हुए गड़बड़ फील कर रहा है क्या? नहीं, डिवाइड कर दिया। अब जल्दी से खोल दे इसको, लिख n by 2 a plus b plus a plus b, यहां लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई करते ही मैं आपके सामने लिख रहा हूं a plus a1 plus a2 से लेकर के आपने an plus b की सम ये निकाल दी है। अब मैं आपके सामने ये a plus b से a और b जो मैंने मंगाए थे कटा देता हूं, अरे घटा देता हूं, तो आपके पास क्या रह गया, नहीं आया आपके, तो आपके पास फाइनली रह गया A1 प्लस A2 से लेके कहां तक का सम, An तक का, और उसका आंसर कितना हुआ N by 2 A plus B, ये बच गया, नहीं है? अच्छा इसको क्या मैं N times A plus B by 2 बोल दूं, सही है? आपने से किसी को याद है A plus B by 2 का मतलब, अर्थमेटिक मीन, वन अर्थमेटिक मीन, नहीं याद आया? A और B का अर्थमेटिक मीन इज N A plus B by 2, याद रखना इट इज n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, प्रूफिंग में आता है ये क्वेश्चन है अपने आप का, ठीक है? फिलहाल आपका मेंटल बैलेंस आज थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों, सही है? हाँ एक लेकिन फोर्थ टर्म में आपको एंटर इसमें लिख लीजिएगा, लिख के जाना भाई, है ना, db, इसका पॉइंट लिखवा रहा हूं बस, ठीक है, ताकि अपना ये am खत्म हो जाए, कल के दिन अपन इसके क्वेश्चन कर ले। डी पे आइएगा, डी है सम ऑफ n रैंडम नंबर्स अर्थमेटिक मीन। देखिए साहब ये क्लास शायद 7th या 8th की बात है जब आपको अर्थमेटिक मीन का अ भी नहीं पता था, एपी के बारे में आप जानते भी नहीं थे, लेकिन तब भी आप अर्थमेटिक मीन का नाम सुन चुके थे। अगर रैंडम नंबर्स का कभी भी अर्थमेटिक मीन निकालना होता था तो हम लोग निकालते थे कोई भी नंबर दे दो, सही है, उन सबका सम डिवाइड बाई एन, नहीं आया? ये करते थे ना ये सब, कि अगर भाई जो मुझे चार कोई भी नंबर दे दी जाए उनका अर्थमेटिक मीन निकाला तो चारों का सम डिवाइड बाई चार, नहीं ऐसा कभी करते थे ना सेवंथ, ये वही अर्थमेटिक मीन है, ये रैंडम नंबर्स है, लेकिन एपी में अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस बी, ठीक है ना, और इसका डिवाइड बाई एन, तो अब ये जरूर लिख के रख लेना ताकि ऐसा नहीं हो हम लोग इससे बच जाए। हाँ भाई अब मेरे को ये तो बता दो जाने से पहले कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन? अरे सबसे पहले डी लिखते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं, फिर आप मर्जी है तो निकलवा लो, डी आ गया, डी के बाद आप मर्जी है तो पूछ लो, नहीं है? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? n बाई टू ए प्लस बी, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? हाँ अर्थमेटिक मीन को नाम से बुकाने तो a1 a2 a3 से लेकर के an, अच्छा छठे अर्थमेटिक मीन का नाम बुकारो
A6. अरे छठे अर्थमेटिक मीन का नाम A6 इज इक्वल टू T7 इज इक्वल टू A+6D और D की वैल्यू B-A/(n+1) ऐसा रटा हुआ होना चाहिए चैप्टर, क्योंकि रटने का टाइम तो अब आया, अब तक तो क्वेश्चन में उलझे हुए थे अपन। ठीक है, शेष कल करते हैं।